नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। कोटिगांव के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से अज्ञात चोर पिछले दरवाजे का ताला तोड़कर बाथरूम में लगे बेहद कीमती और आकर्षक नलों को खोलकर चुरा कर ले गए। नल चोरी हो जाने के बावजूद भी विश्राम गृह के प्रभारी जिम्मेदार अधिकारी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से बचते रहे। इस संबंध में विभाग के उपयंत्री पी के दुबे ने कहा कि उन्होंने चोरी की कोई रिपोर्ट पुलिस थाने में नहीं दी है। अब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई, ये बात उनकी कार्यप्रणाली जाहिर कर रही है। वैसे भी आजकल लोक निर्माण विभाग में जमकर उपयंत्री बाबू और कर्मचारियों की मनमानी चल रही है। समुचित निगरानी के अभाव में जहां कई कर्मचारी बाबू और चौकीदार महीनों से ऑफिस से अंदारद हैं, वे बिना काम के इनका वेतन कैसे निकल रहा है ये सोचनीय है। विभाग में मनमानी का आलम यह है कि यहां का चपरासी ऑफिस में बाबूगिरी कर रहा है। एक श्रमिक तो कई सालों से वेतन को सरकार से ले रहा है, लेकिन अपनी सेवाएं उपयंत्री के क्वार्टर पर दे रहा है। लगातार लंबे समय से गायब कर्मचारियों का वेतन नाजायज कमीशनखोरी से बन रहा है। अब यक्ष प्रश्न ये है कि यहां चल रही मनमानी पर वरिष्ठों का ध्यान क्यों नहीं है। जवाब भी शायद यही है कि सब कुछ संगमिति से चल रहा है।